अस्थि और जोड़ दिवस 2012 से हर साल 4 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस साल भी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों की योजना बनाई गई है, उसको उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों को पूरे देश में आयोजित किया गया है। 2022 के लिए इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने थीम के रूप में ईच वन सेव वन को सौंपा है। यह वर्ष भारत में आघात और दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों पर केंद्रित है। वर्ल्ड रोड स्टेटिस्टिक्स 2018 में रिपोर्ट की गई 199 देशों में सड़क यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत नंबर वन पर है, उसके बाद चीन और अमेरिका का स्थान है। कैलेंडर वर्ष 2019 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 4,49,002 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई है। 1,51,113 लोगों की जान लेने और 4,51,361 लोगों को घायल करने का दावा किया है। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवा वयस्कों में लगभग 693% सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। 18 से 60 के कामकाजी आयु वर्ग में कुल सड़क दुर्घटनाएं मौतें 84.3% की हिस्सेदारी थी। कुल दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में पुरुषों की संख्या 86% थी, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 में लगभग 14% थी। इनमें से अधिकांश मौतें दुर्घटना के बाद पहले स्वर्णिम घंटे के प्राथमिक चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण होती है। इनमें से कई दुर्घटना पीड़ितों की जान दुर्घटना के तुरंत बाद उचित प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करके बचाई जा सकती है, जो कि किसी भी आम आदमी या पुलिस व्यक्ति द्वारा प्रदान की जा सकती है यदि इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। दुर्घटना के तुरंत बाद उचित प्राथमिक चिकित्सा बुनियादी जीवन समर्थन की यह कड़ी गायब है। विदर्भ ऑर्थोपेडिक सोसाइटी में पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। अपघात की जगह ट्रामा सीन, जिसमें ड्राइवर, ट्रैफिक पुलिस, छात्र पुलिस, अच्छा सैमरितान, पहले उत्तरदाता शामिल है। हड्डी और जोड़ सप्ताह के दौरान 1 अगस्त से 7 अगस्त 2022 तक और उन्हें जीवन रक्षक बनाएगा। यह प्रशिक्षण पूरे नागपुर में विदर्भ हड्डी रोग सोसाइटी के सदस्यों द्वारा प्रदान किया जाएगा। विदर्भ ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर मकरन धोपावकर और वीओएस सचिव निनाद गोड़घाटे ने 5 अगस्त 2022 को शाम 4 बजे आईएमए बिल्डिंग नागपुर में एक प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करने का बीड़ा उठाया है, जहां 150 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और वरिष्ठ आयात विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर निर्भय कर्दीकर और इंटेसिलिस्ट डॉक्टर पंकज माचवी द्वारा जीवन रक्षक कौशल प्रदान किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ हड्डी रोग सर्जन डॉक्टर किरण सावजी और वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल अध्यक्ष जन आक्रोश करेंगे। शहर के प्रमुख सामाजिक रूटना रविन्द्र कासखेड़ीकर के नेतृत्व में जन आक्रोश और राजीव वाघ के नेतृत्व में जीवन सुरक्षा ने आम जनता में जागरूकता के लिए वीओएस के साथ हाथ मिलाया है। इस अवसर पर डीसीपी ट्रैफिक सारंग अवार्ड मुख्य अतिथि होंगे। यह गतिविधि वीओएस द्वारा अपने मूल्य संगठन के बैनर तले की जाएगी। महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और अध्यक्ष एमओई डॉक्टर वासुदेव गोडेगोने और सचिव डॉक्टर एनजे कर्ण का मार्गदर्शन और समर्थन हमें प्राप्त होगा। मिशन पूरे भारत में 1,04,000 पहले उत्तरदाताओं को बुनियादी जीवन रक्षक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराना है, साथ ही उन्हें हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत कैसे रखा जाए इस बारे में शिक्षित किया जाएगा। 2022 जी थीम ठेवली आहे ती ईच वन सेव वन ही थीम ठेवली आहे। म्हणजे रस्ते अपघातात जे मृत्यू होतात, रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णांना झिरो ओव्हरला किंवा अपघात झाल्याबरोबर ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये पोचण्याच्या आधी जर योग्य ते प्रथमोपचार मिळाले तर बरेचसे जीव हे वाचवता येऊ शकतात। अपघातात हा रुग्ण मृत्यूमुखी पडला किंवा गंभीर स्वरूपाने जखमी झाला तर त्या कुटुंबाची पूर्ण वाताहत होऊ शकते। ते होऊ नये यासाठी जो गोल्डन अवर मॅनेजमेंट आहे, पहिला अपघात झाल्या ताबडतोब त्याला जी काही प्रथमोपचार आणि जी काही ट्रीटमेंट मिळायला हवी यासाठी ट्रॅफिक पोलिसांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही 5 तारखेला IMA हॉलमध्ये नागपुरातल्या सगळ्या ट्रॅफिक पोलिसांना मार्गदर्शन करणार आहोत। तो सर्वात प्रथम अपघाताच्या ठिकाणी पोचणारा माझा वाहतूक पोलीस असतो, ट्रॅफिकचा पोलीस सर्वात आधी तिथे पोचतो, तर त्याला त्याचं प्रशिक्षण असणं खूप गरजेचं आहे। जो ऑर्थोपेडिक सोसायटी आहे त्यांनी केलेला आहे, त्यामध्ये आमचे ट्रॅफिकचे 150 पोलिसांचं 5 तारखेला IMA अंबाझरी हॉल इथे प्रशिक्षण होणार आहे।
त्यातून वाहतूक पोलीस आणि रस्ते अपघाताला रस्ते अपघातातील जखमींना मोठी मदत मिळणार आहे। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।